फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे ठंडे बाटे का मुख छको गुरु का जहाज तैयार है चढ़ो संसार समुद्रों पार हो गए श्वेत परिवार के अमृत छको भाई डले ने सचखंड जगह मिली जो दल सिंह बनिया भाई शमीर वर्गियों का चौरासी का गेड़ा तां कटिया गया जी अमृत छक के शमीर सिंह बने जो भाई दयालदास चौथे पातशाह तो वरस आए हुए भाई आदम जिन्हों के घर के भाई भगतू पैदा होया उस वंश में भाई दयालदास का लंगर नहीं प्रवान दसम पातशाह जी ने किया जब उन्हें अमृत छक के दयाल सिंह बनिया तो उसका लंगर प्रवान होया। इस वास्ते गुरु के प्यारियो बड़ा सीधा पदरा रस्ता है पंजा प्यारे तो खन्ने का अमृत छको बाणी दलितनेमी बनो पंजा कारां की रात रखो इशारा तेज गोल रेत जरसा की निशानी देख पराइया चंगिया मावा भैं धीया जाने इसे तरह हाथ च कड़ा इन्हें बहां के नाल झूठे अंगूठे झूठे दस्खत नहीं करने गुरु घर की सेवा देश कौन से पंच की सेवा माथा नाल करनी गुरु के बहां बन जांदियां ने इसे तरह कृपान गात्रे पैर के जुर्म का नाश धर्म की रक्षा करनी इसे तरह सिर तो लेके पैरों तक यह साडे केस दाड़ा रोम सब इको जे ने किसे थां घटाने पटाने मनाने अत्यंत मना है। एक बेनती कर लगा हां सो क्योंकि इस इलाके उस मेरी बेनती तो बाद आज सभा मिले 22 असू बाबा बुड्ढा जी की भीड़ 3 लाख का इकट्ठ एक बेनती की थी तो बहुत लोगों ने कई तरह के उस संकल्प पैदा उन्होंने मन में होए सन। वही कहना सी करतार सिंह श्रोमणी कमेटी का प्रधान बन जाएगा वही कहते अकाली दल का प्रधान बन लगा है वही कहते राजनीति में उद पिया है एक बयान दिता सी दो थावों पर बयान दिता सी एक श्री नानक मते यूपी दे विच दिवाली वाली रात 2 लाख दे इकट्ठ विच एक इत्थे बाबा बुड्ढा जी दी भीड़ क्या सी कि अज जो खालसे नूं तुरक बनाया जा रहा है सुनतां कीतियां जा रही ने मैं इसका सख्त विरोध करता हूं क्या सी कि मीसा ते DIR जो लाउणियां बिशक मेरे ते लाओ पर अज खालसा कौम नूं पगड़ पगड़ के जरा हिंजड़े बनाया जा रहा है बिना ही काम तो जबरदस्ती पगड़ पगड़ के नसबंदी की जा रही है इससे सख्त विरोधी हां क्योंकि यह रोम रोमा की बेनवी एक बड़ी भारी वज्र पुरैत है जिसन करके सिंह सिंह नहीं रह जाता पतत हो जाता है दोबारा अमृत छकना पैंता तरखान होनी पैंती है यह जो अत्याचार से जुल्म हो रहा है मैं इससे सख्त विरुद्ध हूं। उस मौके से संगत ने जो कारे बुलाए सन बहुत लोगों ने कई तरह के अनुमान लाए यारा मैं भी कर लिया सी सिंह कह दिता सी कि अगे भाई ठाकुर सिंह जथे का जथेदार से मैं हूं चलांगा हथकड़ी नवा के प्रतख गल कर ली सी पर गुरु प्यारे जदों कौम से बिपता पई होवे जे उस मौके से भी नहीं बोलना जे कौम की चढ़ती कला वास्ते नहीं बोलना तो फिर आगू लीडर प्रचारक महात्मा संत कहाना तो बहुत बड़ा भारी माड़ी गल नहीं कहाना चाहिए अंदर लोके बह जाना चाहिए। सो अज भी मैं उही बेनती करता हाँ अज मतलब कोई ख्याल करे कि अज रेडियो तो कोई खबर आ गई ने शायद उन्होंने वाल वेख के 6 बजे अज एमरजेंसी टुट गई है ता गल हो रही है नहीं जलो एमरजेंसी जोबन से बड़ी जवानी से थी उस मौके 22 असू वाला दिन अज तो तकरीबन 6 महीने पहला 3 लाख के इकट्ठ विच बाबा खड़क सिंह जी ने कोल बैठा यह विचार एक घंटे में प्रगट किया बेनती की सी कि जे कौम से बिपता है तो अपने आप से असी बिपता उस जन्म तैयार यह नहीं कदे भी होगा कि जबरदस्ती सिंगां नूं पगड़ पगड़ के इन्हां दे रोमां दी बेअदबी कर करके सुनता कर करके इन्हां नूं हिंजड़े कर सिटिया जाए यह बड़ा अत्याचार है पाप है। भाई नंद लाल नूं हजूर ने कहा खलक खालक की जान के खलक दुखावे ना है खलक दुख है नंद लाल जी खालक को पैसा है यह दुनिया वाहेगुरु की जान के दुनिया ना तंग करो जे दुनिया दुख दोगे तो रब गुस्से हो जाएगा जब रब गुस्से हो गया तो पेड़ पले कुछ नहीं रह जाएगा। इस वास्ते गुरु प्यारे अज भी बेनती करा
ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਵਾਮੀ ਜਿਸਾ ਨੂੰ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਮਨਾ ਲਓ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇ ਲਓ, ਮੁਰਾਤਬੇ ਲਓ, ਮਰ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਲਓ, ਹੂਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾੜੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਪਨਾਲ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਏ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ ਉਹ ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪੜਾ ਲੁਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੀ ਮੰਨਣ ਦੇਣੇ। ਖੋਪੜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨੇੜਿਓਂ, ਆ ਮਹਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨੇੜਿਓਂ, ਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਛੀਨਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੋ ਆਹ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਜਰੇ ਨੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਪਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਗਏ, ਇੰਜਣਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਗਏ, ਪੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ ਗਏ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪੜੇ ਲਏ ਗਏ, ਸੋ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਪਵਾਏ, ਜੜ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਾਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਦਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਾਝਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਧੁੰਨੀ, ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 80-80 ਰੁਪਏ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8000 ਰੁਪਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਪਲਟਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਮੁੰਡ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂ ਮਾਨ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆ ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਛਿਣ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਏ ਕੇ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਾੜੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਦਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿੱਦੜ ਬਘਿਆੜ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਗੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਪੈੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛਕਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਔਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਲਾਕੇ ਜਾਗ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰ ਹੈ।
वह भी आप दूर करिए, आप भी इन संतों का रस्ता अपना लेंगे। बाबा बिधी चंद वाला, बाबा सोहन सिंह वाला, आप भी धर्म की पौड़ी से चढ़िए, आप भी सलखंड पहुंचने वाले बनिए। नहीं इधर उधर सुरबीर जी वो कहे भटकना, बैड़ी शराब कहे भुल के भी ना वरतो, इस तरह तंबाकू तो हाथ भी नहीं ना सिख ला सकता, हाथ भी सो सुन गुर सेकी रहत को तजै तंबाकू संघ, मरनी मर तो अत भला जगत जूठ न अंग। मैं एक बेनती करा, ताना बुरी चीज हुंदा है, तर्क बड़ी बुरी चीज हुंदी है। एक शेर सी, मैं दो मिनट साखी बेनती करा, एक शेर सी जंगल चिरया करता, एक मित्री उत्थे जाया करता, तरखाण लकड़ा वढ के लिया करता, आपस में प्रेम पै गया। एक दिन रात वड्डी लंघ गई ते कहन लगा शेर के भरा तू मेरे घर ही इत्थे रह पो। कहन लगे तू शेर तेरे कुरने विच मैं रहा। कहिंदे हां रहना चाहिदा, मेरे ते भरोसा कर, आपां मित्र की होए जे हुण मैं तेरी रात का सुखना कटावा। कहिंदे चंगा। तो रात उत्थे रहा बड़े सुख दे नाल नाल रहा, सगों ने फल तोड़ तोड़ के लिया के शेर नूं छकाए, बड़ा खुश होया। यह जिहड़ा तरखाण सी यह कह लगा हुण किसे दे मेरे घर भी चली। उन्हें कहा कि हुण चल मेरे भी। कह लगा असीं जंगल के पातशाह सी, घर जाते फरदे नहीं। कहिंदे फिर अपने जनाना परका धना ना होया, बनौती गल ही हुई ने, फिर तो अपने आप नूं वड्डा मैनूं छोटा ही समझिया ना। सो यह दिली प्यार नहीं तेरा मेरा, जदों यह गल कही कहिंदे चंगा भलके आऊं। सो अगले दिन नाल गया, कुछ लेट पहुंचे घर, अगों जाते घर वाली कुछ गर्म सुभा दी सी। सो उस तरखाण दे कहण लगी क्यों लेट आया है। कहण लगे कोई नहीं, अपने मित्र नाल मैं गल्लां बातां करदा आया, नाले वह मेरे नाल ही आया, तो कौड़ा ना बोल। सो कहणगे कि इहदे घर वाली किन्नी एक कमबख्त है, यह गर्म बोलती है। कहण लगे वह कौन है तेरा मित्र। कहण लगे वह छेर, जंगल का छेर। कहण लगी तेरी अखे कुत्तियां बिल्लियां नाल ही प्रीति रही। जदों यह गल छेर ने सुनी बड़ा शर्मसार होया, तर्क वजी। सो ए तीर वजा, गोली वजी मानो उस मौके से। कहन लगा सो छेर के भरावा, मैं तेरे घर हुण रात तां नहीं रहांगा, एक काम कर, मेरी यही प्रौणचारी है, तेरे कोल जिहड़ा कुहाड़ा तिखा लकड़ नूं वढ़न वाला यह मेरे सिर विच मार। कहन लगे एक तू मेरा मित्र, एक मेरे घर आया होवे ते मैं तेरी सेवा दी बजाय सिर च कुहाड़ा मारा, यह नहीं फबदा। कहन लगा नहीं जे ना मारेंगा मैं तेरे नाल अत्यंत नाराज हां, फिर मैं खाली मुड़ जावांगा। इन्हें वचन मनिया, सिर विच कुहाड़ा मारिया। कहन लगा वेख जख्म डूंघा होया है। कहने काफी डूंघा। कहने चंगा हुण तू चौथे आवी भलके ते परसों ना आवी। ते चौथे दिन गया, शेर मिलिया अगों। कहन लगा मेरा सिर वेखियो जख्म भला किन्ना क है, जख्म का नाम निशान ही नहीं, मिट गया जख्म। कहन लगा वेख ये तेरे कुहाड़े का जिहड़ा जख्म सी वह मेरे सिर विच वज्जा होया भी झट मिट गया है, पर जिहड़ी तेरी घरवाली ने बोली मारी सी ना बोली, वो जिहड़ा वड्डा भारी फट है, छल है, वो जख्म है, वो सारी उम्र ही उसे तरह रहेगा, वो नहीं कदे भी मिट सकता। सो गुरु प्यारियो, इतों असीं चले पटने साहब नौ पोह नूं। अज शायद अठ या नौ चेत है, तीन महीने पटने साहब, श्री हजूर साहब, बंबे, कलकत्ता, होर इस तरह भलाई नगर। सो इस तरह आप भोपाल से होर रस्ते देते अहमदाबाद, इन्हें सारे शहरों में प्रचार करते आए हैं। 2122 भाइयों ने अमृत छकिया, 2100 ने नाल एक बेनती कि उन्होंने लोगों ने एक ताना मारिया, एक बोली मारी है, वो बड़ी सीनियर दुखदायक लगी है। उन्होंने कहा बाबा जी थोड़ा इधर आना सफला है, असं जीव आया थानू कहने, थोड़े ते नफरत नहीं असी करते, असी थानू पकते रहने, थोड़े राह कदों आओ, पर एक गल असी बड़े हमे नाल थानू कहांगे और बोली मारांगे, थोड़े सीने तीर नाल भी वध सिखी जिहड़े तुहानू रड़कदी रहे बहुत चिर। सो वह कि बोली कहने, जाओ अपना पंजाब जाके सांभो, अपना माझा सांभो, वेखो उत्थे नौजवानों की हालत है, जिथे सूरबीर योधे पैदा होंदे सी अज उत्थों दा नौजवान अद्धा मुसलमान बन रहा, अज सिखी नूं बदावे लिखे जा रहे ने, अज उत्थे सिर मुन्ने होए, उत्थे दाड़ियां मुन्नियां होईयां, उत्थे लोकी शराबां पीण, उत्थे कई कितने सुनिया असां जिहड़े गल चुके ने, मर चुके ने, बर्बाद हो चुके ने, तंबाकू भी वरती जाते हैं। कहने दसो किधर गई सिखी, वो किधर गई अणस ते गैरत, वो किधर गया सूरमा पुणा ते मजहल पुणा। जाओ जाके अपने देश नूं सांभो ते इलाकियां नूं सांभो, मुड़ के इधर आयो, जो चाहो गड्डियां मोटरां ट्रक जो साडे कोल कहोगे असीं उत्थे ही भेजांगे, उत्थे तुरे आउणगे, पर जाओ जाके अपना इलाका सांभो। सो गुरु प्यारियो, जे तां किसे थोड़े जिहे अणख वाले नूं कोई सच्ची बोली वजे तो फिर वह दिल वेख लो कि छानी छानी हूं। सो यह आप कदों तक सहारा
यह मेहने कदों तक अपने भरा देने मेहने सच्चे ने यह मेहने अपनी चढ़ती कला करने वाले ने यह टेंदी कला करने वाले नहीं अपने फुट लड़ाइया से वितकरे पाने वाले नहीं आपन एक मुठ से मजबूत से चढ़ती कला करने वाले ये ताने ने यह सुभाग है अपना कि साढ़े वो वीर जागे उन्होंने वीर ने यह दुख महसूस किया अनुभव किया अपने मन में है तो अपने पिंड तो गए हुए न अपने ने जो गड्डिया बना के तू कलकत्ते बैठा कोई बंबे बैठा कोई पटने साहब बैठा कोई किन्ने बैठा अपने ने ना हो पर उन्होंने यह ख्याल आया है कि असी जे चढ़ती कला में हो जिथे ये सिखी जम्मी पली जवान हुई जिथों सिखी बार फैली परखा हुई सो उ सिखी जे समाप्त हो रही हो दिव्य थले अनेरा वे कि जरिया नहीं जा रहा इस वास्ते गुरु प्यारियो जे आप कोई अणख गैरत वाले हाँ सूरमे योधे ते बले हाँ अज वो मौका दोबारा मुड़ के आया है जिहड़ा कदे लखीर खिंची सी भाई महा सिंह ने खंडे नाल आओ टुटियां गढ़ा लीए गुरु के प्यारियो सो जिन्हां नूं अपना घर प्यारा नहीं जिन्हां नूं धीआं पुत्र घर वालियां प्यारियां नहीं जिन्हां नूं अपनी जिंद जान भी प्यारी नहीं जिन्हां नूं कलगियां वाले दी सिखी केवल प्यारी है वो लंघो इस लकीर तो करो अपने आप नूं कुर्बान वो टुट गया हुई साडियां गंढियां जान ते आपां मुक्तियां दे सरोवर लवा दिए मुक्तियां दे सरोवर सदा वास्ते जिथों मुक्ति प्राप्त हुंदी रहे सो गुरु प्यारियो अज दोबारा वो समा आपां उसे मोड़ ते फिर आ गए अज एक कौम टहिंदियां कलां नूं जांदी वेख के तरस आउंदा है बड़ा भारी चित विच दुख हुंदा है कि तन बाजां वालिया तू एडियां कुर्बानियां करे चारे चारे साहबजादे बारे आनंदपुर साहब दे सुख छड्डे तुसीं कहदे हो कि इन पुत्र के शीश परिवार दीआं सो चार चार मूहे तो क्या पाया जीव तनाख हजार ते अज असी तेरे पुत्र कपुत्र बन जाइए अज सपुत्र तो बनना कहने रह गए पुत्र भी नहीं रह गए कपुत्र बन वल पोजे पास वल छोटे पास वल रुड़ रहे हैं सो गुरु के प्यारे आओ दोबारा समझिए सोचिए विचारिए अपने चित विच इस इलाके विच बाबा जी भाग ला रहे हैं बाबा दया सिंह साहब हजारों संगतों को अमृत छका रहे हैं तुसी अपने जथे में जिथे जिथे आग्या करते जे अमृत छकाया जा रहा है सो जिन्ना गुरमुख प्यारे ने एक साल के हजारों ने छकया इस इलाके एक भी उठ के कोई कह दे कि मैं कोई घाटा पिया है कमी आई है यदि अगे ना चढ़ती कला है उन्होंने प्यारियों की बद फैलियां छड़ियां फजूल खर्चियां छड़ियां शराबों कुरीतियां छड़ियां चढ़ती कला वाले होए फिर आप उन्होंने रीत ही करिए उन्होंने वाली वेखिए और चढ़ती कला वाला जीवन अपना बढ़ाइए आपू धर्म की पौड़ी से चलना चाहिए आपू संतों वाले रस्ते से चलना चाहिए आपू बाबा सोहन सिंह साहब जी के पाए पूरे से चलना चाहिए